वहीं सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। हमारे संवाददाता राजेश जैन ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने फिर से पैर पसार लिए हैं। आज बीना में जो पंचायत चुनाव के आरक्षण के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन यहाँ पर प्रत्याशियों की अभ्यर्थियों की बहुत भीड़ है, अधिकारी भी व्यस्त हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कोरोना गाइडलाइन का कहीं भी कोई पालन नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर प्रत्याशी आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, उन्हें भी इस बात का कोई होश नहीं है कि कोरोना पैर पसार रहा है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर, यहाँ तहसील कार्यालय में हम हैं। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क जी, कोरोना आ चुका है सागर जिले में, एक मौत भी हो गिर गया है, इनका मास्क गिर चुका है। यहाँ पर और भी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस समय सभी आप रहना दीजिए सर, आप रहने दीजिए। यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। भाई साहब मास्क कहाँ है आपको? मास्क यहाँ पर छोड़, यहाँ देखिए सामने देखिए, घर पर छोड़े हैं सर, घर पर छोड़ गया। आपको पता नहीं है क्या कि कोरोना फैल रहा है, लगातार बढ़ रहा है? पता तो है सर। आप पंचायत चुनाव का फॉर्म? नहीं नहीं, हम तो वो नामांकन की पेशी के लिए आए थे। यहाँ पर और भी कई लोग हैं दादा, यहाँ पर तौलिया लपेटे हैं। दादा मास्क नहीं लगाया आप? बुजुर्ग हैं, कोरोना बुजुर्गों पर ज्यादा प्रहार कर रहा है, तो आप मास्क वगैरह लगा के आना था? नहीं ठीक था, हम तोड़ के लगा। शौचालय तो एक ही नहीं खुलवा रहा, सब किससे परेशान है जनता? क्या 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 प्रॉब्लम? शौचालय बंद, वो बंद है सामने वाला, यहाँ के बंद है, ताले लगे हैं, जनता परेशान हो रही है। हम वो देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाकर नहीं आए हैं, आप देख सकते हैं। लगभग 100% 100% कोई भी मास्क यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं, जबकि आपको पता है कि कोरोना पैर पसार चुका है। भाई साहब आप तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क अब जेब में से निकाल के लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी शोचनीय विषय है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी किसी प्रकार का मास्क आस्क के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ तहसील में सैनिटाइजर है, ना तहसील में कोई व्यवस्था है। इस तरीके से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोरोना काल में कोरोना के नियमों का लगातार उल्लंघन यहाँ पर होता नजर आ रहा है।